जेडी का कमान सौंपी है, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर से लेकर के पूरी बैठक में लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव नजर दिखे। अब ऐसे में सत्ता पक्ष इस मुद्दे को कहां छोड़ने वाला था। लालू यादव के साथ अब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर के भी सत्ता पक्ष ने निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, लालू यादव ने अपनी विरासत 420 के आरोपी तेजस्वी यादव को दे दी है, लेकिन अपने बड़े बेटे जो केवल बांसुरी बजाते थे उन पर कोई आरोप नहीं था, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी ने विधायक भाई वीरेंद्र ने निशाना साधते हुए कहा कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये पार्टी और लालू यादव का खुद का मन है। जो उन्होंने तेजस्वी यादव को कमान दिया, लेकिन जेडीयू को इससे क्या मतलब। ये राष्ट्रीय जनता दल एक पारिवारिक पार्टी है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि परंपरा का भी लालू जी अपमान कर रहे हैं। भाई 420 का आरोपी है तेजस्वी यादव, तो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और एक उनका बड़ा पुत्र तेज प्रताप, उस पर 420 का आरोप नहीं। एकमात्र बांसुरी बजाने वाला राजनीति में, वृंदावन तक के बांसुरी की गूंज जाती है, विंध्याचल तक गूंज जाती है। तो भाई अमीषा भारती अभी सांसद हुई हैं, डॉक्टर मीसा भारती हैं, मेडिकल की पढ़ाई उन्होंने मैनेजमेंट कोटा में किया, हालांकि मरीज कभी उन्होंने नहीं देखा। तो बड़े को सम्मान करना चाहिए, प्राणदायिनी होती है बेटी, तो बेटी को हक क्यों नहीं, बेटी क्यों नहीं मंच पर रहेगी और क्यों तिरस्कार होगा, बेटा का तिरस्कार क्यों होगा, इसलिए कि विदेश घूमते हैं एक, और दूसरा बेचारा विदेश नहीं घूमता है तो नेपाल और भूटान भी नहीं जा रहा है, तो उसको नहीं दीजिएगा मौका। जदयू को और बीजेपी को बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और तस्वीर लगाना न लगाना, आदरणीय लालू प्रसाद यादव नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव नेता हैं, और उन लोगों का अगर तस्वीर लगा है और मेरा नहीं लगा, किसी का नहीं लगा, तो उसमें कोई बहस का विषय नहीं है। नहीं, नहीं, वो आग लगाना चाहते हैं, और आग लगने वाला यहाँ है नहीं, वो आग लगाने से नहीं होगा। इसलिए किसका फोटो है नहीं है, ये पार्टी को तय करना है, किसका तस्वीर लगेगा किसका तस्वीर नहीं लगेगा ये पार्टी निर्णय करती है। बीते दिन आरजेडी के स्थापना दिवस में कई चेहरे नजर आए, लेकिन एक चेहरा लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का था, जो नादारत थे। देखिए, वहीं कई पोस्टर आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर भी लगाए गए, लेकिन तमाम पोस्टर में लालू यादव के बड़े बेटे और कह सकते हैं कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव नादारत दिखे। अब इसको लेकर राजनीति जो है वो तेज हो गई है। क्या तेज प्रताप यादव नाराज हैं, या दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपनी विरासत सौंप चुके हैं। अब इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष ने लालू यादव और लालू परिवार पर सवाल खड़ा कर दिया। साफ कहा, जो छोटे बेटे जो 420 के आरोपी हैं, उन्हें सभी विरासत दी गई, और तेज प्रताप यादव जिन पर कोई मुकदमा नहीं है, उन्हें क्यों हटाया गया पार्टी से। तो वहीं दूसरी तरफ अब आरजेडी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि हमारे अंगने में आपका क्या काम है। अब देखना होगा कि लालू परिवार और लालू की पार्टी आरजेडी में क्या तेज प्रताप यादव की नादारत वाली तस्वीर या नाराजगी जो है वो आगे कहां तक बढ़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।